मैं तो सरदार था, मैं ये कहता हूँ कि 45,000 वोट मेरे क्षेत्र की 11 पंचायतों की दे। होगा गांव में बीजेपी आगे रहे, ले रहा ले ली पर थोड़ी सी बाहू चूक होगी। मिला पहले हटे कांग्रेस को धड़ो तकड़ो वोटर से जीत्या करती, पिछली बार थोड़े अनिल जी पीछे रहा। नमस्कार, राम राम, फिर स्वागत है थारो अपने चैनल सीएच शर्मा ब्लॉग के बहुत ही शानदार कार्यक्रम में, जिसका नाम है चुनावी मरोड़। और यही चुनावी मरोड़ के अंदर दोस्तों आज मैं थान ले गया हूँ सरदारसर विधानसभा के बहुत ही बड़े गांव में, जिसका को नाम है फोगा। फोगा गांव है जिको काफ़ी बड़ो गांव है। अठे चुनावी रुझान के तरीके का बने, के तरीके की मरोड़ अठे का लोग निकालेगा, पूरी रिपोर्ट आप तैयार कराऊंगा। बने रहो हमारे वीडियो के साथ, नया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अठे एक दुकान के ऊपर है जी का ग्रामीण मौजूद है, अठे जानांगा कि फोगा गाँव का जी का रुझान है के तरीके का। राम राम अंकल जी। राम राम। के नाम है साहब थारो? मेरा नाम श्रवण कुमार सैनी है। फोगा गाँव का निवासी? फोगा गाँव को। फोगा गाँव है, लगभग कितने घर की बस्ती है? लमसम 1200। वोट पोल आपने पिछले चुनाव में कितना गया? 4500 वोट लमसम। 4500 वोट, काफी बड़ो गांव है। बड़ो गांव है। अच्छा, थारे गांव में जी पिछली बार कौन से नेता आगे काटे थे? पिछली बार बीजेपी आगे निकली सा। अब की बार क्या रुझान बने? अब की बार त्रिकोणीय संघर्ष है, मैं रुझान को कोई नियम होता नहीं लागू। अनिल जी ने भी वोट मिला गया पिछली बार? पिछली बार मिला, पहले हटे कांग्रेस को धड़ो तकड़ो वोटर से जीत्या करती, पिछली बार थोड़े अनिल जी पीछे रहे। अब की बार भारी लागे, भारी रेशी सा अनिल जी, भारी रहा, भारी रेशी साहब, बोला सारा बात। रिनवा साहब है जी का, अभी थोड़ी देर में थारा फोगा गांव में आवेगा, बंगू रुझान था किसी को लागे भी? राजकरण जी चौधरी ऊपर लेसी वोट कितना ही लिया? ऊपर लेसी। अच्छा, राजकरण जी चौधरी जी का निर्दलीय विधायक है, तीसरे नंबर पर रेशी, तीसरे नंबर पर। अच्छा, रिनवा साहब है बंगो जी, पिंचा साहब पहले हटा अपने लगातार विधायक मतलब चुनाव लड़ता आया है, बानो भारी मानो? हाँ, अठारह भारी रेसी, पार्टी नहीं लाग सी। चलो, बहुत बहुत राम राम भाई। राम राम। के नाम है साहब तारो? सुरेश नाम है मेरा। सुरेश जी, यहाँ बताओ के थारा गाँव के अंदर पिछले जी अनिल जी विधायक रहे, अब टाइम में काम किसो को फोगा गाँव में? अनिल जी के वजह हमारा काम बढ़िया है, जोरदार काम है। पहले भवनलाल शर्मा साहब हुए करता, बढ़िया काम है हमारे गांव में। जहाँ अनिल जी हुए, भवनलाल जी बतवात एक है हमारे गांव में, बहुत बढ़िया काम है। गांव में जीएसएस है, पानी को हेड है, हॉस्पिटल है, सीनियर स्कूल इन्हें 20 साल हो गया, सब सुविधा है। आज के फिलहाल में गांव में सब सुख सुविधा है। अनिल जी को ज्यादा माहौल बना रहे हो, मतलब मान रहे हो थे? नहीं तो है, जकी तो देखिए बात है, जकी तो है ही, भी मन की दिक्कत है। पीछे बताओ जी, अंकल जी का कम रहा वोट है, अब की बार आगे निकाल रहे हो अनिल जी? हाँ, अब का आगे निकल जैसे। अच्छा, अब का अनिल जी दो नंबर पर कहना मान रहे हो? बीजेपी, बीजेपी। अच्छा, राजकरण चौधरी साहब को तो माहौल? चौधरी साहब को देखो, बार गामा में अवस्था नहीं, तो मेल मिला पकात को नहीं, बार गामा में है को नहीं। सरदार सिर में रेडो आदमी है, सरदार सिर तानी सीमित है, बार गाँव में कोई सागे फिर अब नेता की वजह से कोई थोड़ा बहुत वोट मिल जाए तो भले ही, और कौन बनाए। अच्छा, अच्छा, विकास कार्य में मतलब नंबर वन है आपने अनिल जी शर्मा थे बता रहे हो। अच्छा, अनिल जी शर्मा साहब की जी की सभा आम सभा है फोगा गांव में हो चुकी है? हाँ, हो चुकी है। मैं जी जनबल कितो जुड़े थारा गाँव में? जोरदार मार जी, कोई सी पार्टी आ जाए मार जनबल तो वो विषय रहना भाई, आदमी बीजेपी में जाना भाई, कांग्रेस की रैली में जाना भाई, बिग माना जाए सर। अब आगे होगी गई है चौधरी साहब की मीटिंग, भाई आदमी में बैठे हैं, बैठा बीजेपी की होशी भी मनी भाई आदमी, भाई आदमी कांग्रेस में बा हमारा पक्षपात को नहीं कहो, वो बीजेपी में आयडा को स्वागत, मतलब सब ग्राम में आयडा को स्वागत, सब ग्राम स्वागत बा, कोई दिक्कत को नहीं मारा, कोई तो बैर भाव को नहीं कहो, कहो बीजेपी को टक्कर यहाँ बा को नहीं। मैं अंग मनी आई बीजेपी का बैठे, मैं कांग्रेस का बैठे, निर्दलीय बैठे, हमें सागे बैठे, हम हसीम में ठटा कर। चुनाव तारानगर को बहुत तकड़ो माने जाए फिलहाल आज के टाइम में, दोनों नेता कद्दावर है, बहन तिरको चुनाव बनियो को नहीं थारा बीता भैया तो तकड़ी टक्कर आगे दियाली बाद में माहौल जाने बाद में दियाली बाद में जाने तो तकड़ो कोनी बने, कोनी बने विश्व कोनी बने बीजी टक्कर को भैया एक तरफा भी कोनी रहे और भी तो तकड़ो भी कोनी बिल्कुल ही कोनी रहे जबरदस्त तो ने बने को की क्योंकि बैठे दोनों ही कद्दावर नेता है, तकड़ा नेता है, मतलब हमारे गांव का नेता है, संत है, संत है, सुधा है, हमारे का लड़ाई झगड़ो और लेन देन बिल्कुल कोनी, एकदम शांति का चुनाव है। मन मत है ना वो आपको मत, आप मतलब मत है ना, बैठी करो कोई पर दबाव कोनी, क्यों देख लो थे आप देख लो के रिनवा साहब आशय भाई और राजकरण जी चौधरी करके गए मीटिंग, ही कुर्सियां लाग रही है, बहुत ही द्रो लाग रही है,
और भी गर्मोई रिणवाजी चाह पी सिर भी गर्मोई राजकरण जी पी के गए। मतलब मारा वो भेदभाव भेदभाव बिल्कुल ही को नहीं आया कि करा इज्जत है सुधा है थारा कैंडिडेट भी बढ़िया है बढ़िया जिसो गांव उसी बिसी प्रजा उसी मारत जी मतलब कोई की पक्षपात को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अपन ग्रामीण मिल सी और रिणवा साहब की मीटिंग भी अपन दिखाने की कोशिश करांगा। धन्यवाद। हाँ राम राम भाई। के नाम है साहब तारा? मेरो नाम अरविंद चोटिया है साहब। अरविंद चोटिया फोगा गाँव का निवासी हो? हाँ फोगा गाँव का जाट हूँ। जाट होगी। अच्छा थारा फोगा गाँव में किस तरीके का माहौल बन रहे हो कौन सी पार्टी? फोगा गाँव में भाई साहब वो हाँ बीजेपी है नी राजू भाजी रेणुआ मांगो माहौल तकड़ा। पिछली बार पिछले चुनाव में कौन सी पार्टी आगे रही फोगा गांव? फोगा गांव में बीजेपी आगे रहे ले रहा ले ली पर थोड़ी सी बाहू चूक होगी बाबा लाल जी चल लेडा हार उपचुनाव हो जना कई मारे मान दे दिया बाकी हट बीजेपी और अब का तो और ज्यादा है क्यों भाई राजू भाजी आ गया रेणुआ बांगा फैन भी बहुत है पुराना बांगा जानकार भी बहुत है बांगा काम भी कई शेषा देखा जगह बढ़िया है। धार्मिक आदमी परेशानी समझ में आनी चाहिए नी एक तो कल्ड में बोला है एक सॉफ्ट में बोला है तो हर वोटर समझे आजकल। तो सरदार सर तहसील में बताओ कि फोगा गांव को स्वागत सत्कार है वो मानी जेड़ो है ठीक है यही जगह पर है तीन चार जिका कैंडिडेट अलग अलग पार्टियां का आ गया ऐ जिका देखना रहा लोग है ऐ हर पार्टी ने जिको मतलब आयडो है स्वागत करे ऐ चीज ने मानो नहीं देखो आज जी तो आपने सनातन संस्कृति में लिखे है कि आपने दुश्मन भी आ गयो नहीं तो बिंगो भी मान सम्मान सत्कार करना चाहिए तो बिंग तो मैं तो ओतप्रोत हाँ सनातन धर्म देखो चोटी तो लेना लटके हमारे और कोई दिक्कत को नहीं सनातन धर्म का मायने सेंगो मान सम्मान है बाकी वोट बीजेपी ने राजू भाजी। अच्छा तारानगर में जी को चुनाव है वो राजस्थान को सबसे तकड़ो चुनाव मंडल है फिलहाल वीवीआईपी सीट है वोट सीट मानी जाए बै बठे जिया कोई कैंडिडेट गाँव के अंदर आवे तो बै रिलेटेड पार्टियों रिलेटेड ही लोग भेड़ा हुए अठे थारे थोड़ा सा माहौल माना अलग लगे क्योंकि अठे लोग बाग है जी का सही मतलब भेड़ा हो जाए भाई कांग्रेस का भाई बीजेपी की पार्टी देखना आ जाए मतलब अठे जी को आम सभा हुआ है हमारे अट के माहौल है जो चुनाव है नी तो विचारधारा वोटाएंगे सहेंगे अलग अलग है लेकिन आपसी प्यार प्रेम है नी वो एक ही है यहाँ हमारा खेचा ताणी को नहीं गया तू राजू करण चौधरी ने दे रही है तू बोतल में घुस गयो और बे चीज़ा को नहीं वो आपकी इच्छा है मर्जी हो जट वोट दो प्रेम आपनों घर घर को घर में। चलो थे बताओ भाई साहब के जो भी पार्टी रिलेटेड मतलब जुड़ेड़ा हो थे पीछे अपना अनिल भाई साहब है जी का विधायक रहे है और बहुत पहली अपने भवनलाल जी शर्मा साहब हाँ बंग कार्यकाल में फोगा गांव में कितो काम हुए विकास हुए काम की तो ये है बंग व्यवहार भी बढ़िया है कोई जाता काम नहीं और कोई मना भी कौन करता काम मतलब होता जदि साथ साथ बाहर विधायक रह गया विधायक रह गया। अच्छा अब का धड़ो थाने ज्यादा भारी कंगो लागे अब की बार तो भाई त्रिकोण मुकाबला हो रही है धड़ा की तो फिर कौन पड़े कौन पड़ जाए अभी तक कोई मतलब बेरो कौन पाठ सके कौन सो है कौन पाठ सके और थाने ये लगे कि जी को सरदार सर विधानसभा चुनाव है वो तारनगर की तरह बन सके तारनगर की तरह ही है थोड़ी टक्कर मार टक्कर में ही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ी देर में रिणवा साहब आओगा बांगी भी रिपोर्ट अपन ले सियाँ एक दो सवाल बहु करने की कोशिश करांगा। पूरे जिले में छावा और अच्छा नहीं क्या बतावा रड़ा दुख है।
चंद्रमल जी तारानगर में चंद्रशेखर जी बैठे राठौर साहब के तारानगर चूरू भी है बैठे मोहनलाल डूंगरगढ़ जीते सुजानगढ़ आइए राउत राम देश एक है जिलो एक है पूरे जिले में शासकांत जे बुडानिया जी आ जावे जे बुडानिया जी आ जावे तो जीत करा जा भारी तो बंदो पारेंगे कोनी जना रीत रे न्यायी पंजाबी जाखर जी आया कट्ठे का कट्ठे पंजाबी जाखर जी आया लागे सबने प्यारो प्रांत जिले ने छेक जावे तो भी कवे मारो ग्यारह पंचायत आपा पर दीजे ग्यारह पंचायत आपा पर दीजे जर अपनी मान करा विश्वास रुणवा जी ने बारन हो गए क्यों करो हो बात वो नास देखो कमल फूल ले आवे देखो कमल फूल ले आवे वो ही आपनु कंडी देख देखो कमल फूल ले आवे वो ही आपनु कंडी देख अलम अली भी फूल आया हा याद करो थे लहरों थे यानी अपने कोई जाति पाति धर्म नहीं है जो कमल का फूल लेता है वो अपना कंडीट है वो सनातन संस्कृति का पुष्पाति होता है मत पकड़ो पूंछ आदमी को एमपी ले आओ आदमी जाता है मत पकड़ो पूंछ आदमी को डींगे कठे लहर तिरछा निज स्वार्थ में कई भटक गया पर मेघ नीति रखे तिरछा पर मेघ नीति रखे तिरछा पार्टी जवाई नदी सती जी पूनिया लियो ना दो दिन को टाइम दियो कलवल साहो सरदार सरित किसन समस्या होगी के चेकर से खूब बड़ी संख्या हो गया प्रेम है लोगों में अब आर वो लोगों ने कोई ना 15 दिन पहले दे दी टिकट कोई ना 20 दिन पहले दे दी कल तो घंटा वहां के घंटे ही 5-7 घंटा पहले दे दी और कह के वो चुनाव हार लो या जीत लो टिकट का नामांकन पर रहे की भीड़ हो तो ही जीते नहीं कौन जीते अब ठाकुर जी की ऐसी कृपा आप लोग कहीं जनता जी ऐसी कृपा रही आपने बताओ कांग्रेस आ रहे थे तीन गुणी भीड़ ही था आप लोग प्रेम है ठाकुर जी साके ठाकुर जी ने अगर याद रखे तो ठाकुर जी है तेन साके वो एक कंपाउंडर हो केरल को वो आपने कोई गांव में राजस्थान के ड्यूटी लगी टारगेट टाइप को आदमी हो तो पूजा पाठ भी नाती बनी एक हनुमान जी का मंदिर हो भी वो जा तो मूर्ति के हाथ लगा दे तो ए हनुमान मैं चंद्रा हनुमान जी ने तो मैं चंद्रा हूँ तेरी हाजिरी देती हूँ रोजी ना जाते वो ए हनुमान मैं चंद्रा हाथ लगा रहा दे तो चार साल बाद में जी के लकू आ गयो जना वो थोड़े थोड़े सोचे अब तो हनुमान जी के चार साल गया हनुमान जी अपन कुछ नहीं बनी आया थोड़ी सी देर में देख रहे साधु जा रही है बैठे तुम अब वो इशारो करे साधु तो पानी पैसे होगी बोला मार्च थोड़ी तुम पीले मनी पे आते मेरे में तो लक्को आए रहे मेरे पास दो चीजें बनी वो साधु आप भी पियो बिना भी पेरे भी हाथ फिर कहीं वो फिट हो गयो फिट होता ही वो जान लगे वो साधु जन वो चंद्रो सोच रही है साधु ने तो आप पानी ही कौन क्या जगमो अपने ठीक कर दिया और हनुमान जी को चार साल आप गया जगह हनुमान जी अपने कुछ लोग गया जो आप सब घूमे ए चंद्रा हमें हनुमान भगवान ने जरा विश्वास करे ना भगवान भगवान हर कोई मांगे सा करे ये बात ना मानकर चलो मैंने भी शक्ति पर और आप लोगों जनता में आप लोगों के भी हृदय में कोई विराजमान है महामंत्री भी रहा हूँ मैं तो सरदार सर यही कहता हूँ कि 45,000 वोट मेरे क्षेत्र की 11 पंचायतों की दे है बाकी आप यहाँ पर और भी लोकप्रियता प्रेम लोगों से है तो आप लोगों से निवेदन है कि मैं यहाँ क्या काम करूँगा या क्या व्यवहार रहेगा आप लोगों की सभी रिश्तेदारी रतनगढ़ जी की गाँव क्षेत्र मिलेगी उनसे पूछ लीजिएगी कि राजकुमार रिणवा कितना बड़ा काम कर रहा है। थैंक यू सर। तो दोस्तों फोगा गांव की रिपोर्ट और रिणवा साहब को इंटरव्यू आप लेने की कोशिश करी पूरी रिपोर्ट थारे सामने है और भी गाँव का अपना दौरा कराँगा गाँव का माहौल जानने की कोशिश कराँगा यदि थाने यदि वो वीडियो पसंद आए है तो जरूर सब्सक्राइब करो आपकी कमेंट है पर जरूर दो धन्यवाद जय